लव इन नेपाल से टेलीविजन शो देश में निकला होगा चांद की अनु यानी एक्ट्रेस श्वेता केसवानी को हिंदी फिल्मों की दुनिया में ज्यादा सक्सेस नहीं दिलाई, लेकिन अब श्वेता के पास अपने फिल्मी करियर को एस्टैब्लिश करने के लिए एक नया हथियार मिल गया है, एन इंटरनेशनल फिल्म। लेकिन सुना है कि ये फिल्म गुजरात में शूट हुई है और आधी फिल्म 1850s की कहानी है और आधी 2005 की। चलिए सारी डिटेल्स श्वेता से खुद पूछें। श्वेता केसवानी, जिन्होंने अब तक टेलीविजन पर काफी काम किया है, अब करने जा रही है एक फिल्म और वो भी एक इंटरनेशनल फिल्म। फिल्म का नाम है द मेम साहब और उसे डायरेक्ट कर रही है एक NRI कृति मजुमदार। ये फिल्म उन्हें कैसे मिली? ऑडिशन दिया मैंने, जैसे बहुत से एक्टर्स देते हैं। मैं मिलने गई डायरेक्टर को, उन्होंने मुझे बोला कि ये लाइंस हैं, दीज आर द साइड्स एंड दीज आर योर लाइंस, यू नीड टू रीड देम एंड ट्राई टू इमोट इन योर वे, आप जिस तरह से बेस्ट कर पाएँ। और अगर मुझे लगा कि मुझे कुछ और चाहिए तो आई विल टेल यू टू डू इट। और मैं बिना मेकअप के गई, जैसे मैं हमेशा बिना मेकअप के मीटिंग्स के लिए जाती हूँ, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज फॉर मोस्ट एक्टर्स टू डू। अब जब फिल्म की बात चली है तो उनके रोल के बारे में भी बात कर ही लेते हैं। 1850 की फिल्म है, पीरियड फिल्म है। उस जमाने में, उस वक्त इंडिया में ब्रिटिश राज चल रहा था और परवीन दबस और मैं भाई बहन हैं, वो प्रिंस है और आई एम द प्रिंसेस। लेकिन ही गेट्स मैरिड टू अ इंग्लिश गर्ल, दैट्स व्हाई द फिल्म इज कॉल्ड द मेम साहब। मैं उसे समझाने की कोशिश करती हूँ, ट्राई टू मेक हर सी इंडिया द वे इट इज़। उसे लगता है कि जस्ट अ वेरी नाइस बिग हैप्पी प्लेस, बट लॉट ऑफ, उस जमाने में सती होता था और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो बहुत ही हार्ड और क्रूअल थी, यू नो, जो अभी सब लकीली सब निकाल दिया है, हमने इरेडिकेट कर दिया है हमारे सिस्टम से। ये तो हो गई एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म, पर श्वेता बॉलीवुड में आने के लिए क्या कर रही है? मैं लोगों से मिल रही हूँ, फिल्म मेकर से मिल रही हूँ, डायरेक्टर से ज़्यादातर मिल रही हूँ और आई एम होपिंग टू गेट मोर ऑफ दीज काइंड ऑफ फिल्म्स, जो कि क्रॉस ओवर्स हैं या फिर विच आर मोर रियल। आई एम लाइक, बिकॉज मुझे पता है कि आई एम कट आउट फॉर अ सर्टन मार्केट। श्वेता चाहे बड़े बैनर्स के साथ काम करें या नहीं, लेकिन उन्हें ये जरूर पता है कि वो क्या क्या कर सकती है। फिलहाल हम इंतजार करेंगे इस फिल्म का जो श्वेता को इंटरनेशनल फेम दिलाएगी। देश में निकला होगा चांद के बाद श्वेता ने तो एक लंबा ब्रेक ले लिया है। चलो कम से कम श्वेता के फैंस अब उन्हें बड़े पर्दे पर देख पाएंगे।